जिन पाकिस्तानियों ने हजारों हिंदू भाइयों की हत्या की, उन्हीं के आगे घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया हमें इस कांधे ने। हिंदू राष्ट्र को बचाने के लिए मैं तुम्हारा वध करना चाहता था और करना चाहता हूं। गोली से आदमी मरता है, उसके विचार नहीं। मैं तुमसे कौन सा युद्ध कर रहा था? विचारों का युद्ध। विचारों के युद्ध में हथियार नहीं, विचार चलते हैं। दोस्तों, अच्छाई और बुराई वो आपके नजर में डिपेंड करता है। आपको जो भी इंसान अच्छा लगता है वो किसी न किसी एंगल से बुराई भी हो सकता है। इस मूवी है गोडसे और गांधी की एक कहानी। सीधे तरह से बोले तो दो लोगों की एक युद्ध। गांधी और गोडसे में कौन अच्छा है और कौन बुराई है वो पता लगाने के लिए तो पूरा मूवी देखना पड़ेगा। एक तरफ गांधी को बापू की पद देकर राष्ट्रपिता बना दिया है, वही उन्हें मार के अपने उसूलों अपनी की पति प्रेम की भावना दिखाने के साथ गोडसे ने खुद को लोगों के नजरों में अपने आप को बुराई की पात्र बना दिया है। गांधी और गोडसे दोनों ने अपने देश के लिए ही ऐसा किया है। आज फिर से गोडसे और गांधी को लेकर लोगों में दो कूट विभाजित हुआ है। गोडसे ने गांधी को ऐसा ही नहीं मारा है, ना तो उसने अपना फायदा के लिए किया है, ना तो अपने बदला के लिए। सिर्फ ये लड़ाई विचारों की लड़ाई है। मशहूर राइटर अक्सर वजाहत ने एक किताब लिखा था, गोडसे एट द रेट गांधी। इस किताब पर देश के मशहूर डायरेक्टर राजकुमार संतोष एक फिल्म बनाने जा रहे हैं। उसकी नाम है गांधी गोडसे एक युद्ध। इस किताब पर एक प्ले भी बन चुका है। फिल्म में गोडसे के रोल किया है चिन्नाय माडलेकर। ये वही मराठी एक्टर है जिन्होंने हाल ही में द कश्मीर फाइल्स में आतंकवादी फारूक मलिक के बेटा के रोल किया था। फिल्म में गांधी को रोल प्ले किया है, यानी कि मोहनदास की रोल प्ले किया है एक्टर दीपक एंटोनी ने। महात्मा गांधी के बारे में बहुत पढ़ा है, बचपन से ही गांधी को लेकर बहुत एक्साइटेड हूँ। गोडसे जिनके बारे में स्कूल की किताब से लेकर हरेक किताबों में नेगेटिव बात करते हैं, मानते हैं कि गांधी जी हीरो और गोडसे विलेन, ये क्लियर इमेज फिट कर दिया गई है और इसी के साथ हम बड़े हुए। लेकिन ये सब बात सच है? क्या जो भी हमें बताया गया है, पढ़े गए हैं, वो पूरा सच है? इतिहास की जो सवाल है वो आज भी सवाल ही है। उनमें से एक बात ये है कि कौन सही है, गोडसे और गांधी। मैंने देखा गांधी गोडसे की ट्रेलर, बहुत अच्छा लगा। 10 साल बाद डायरेक्टर राजकुमार संतोष बड़े पर्दे पर आ रहे हैं, वो भी दिमाग घुमाने वाले मूवी लेकर, इतिहास पर रिलेटेड फिल्म लेकर आया है। कौन अच्छा है, कौन बुरा है, सबकी सवालों की जवाब देने के लिए आ रहे हैं फिल्म गांधी गोडसे, जिसको 26 जनवरी को सिनेमा घरों में देखने को मिलेगा। फिल्म गांधी के बारे में आ रहा है तो इसलिए इंडिया की रिपब्लिक डे के दिनों में इस मूवी आ रहे हैं, जिसको मन में सवाल ये है कि अच्छा और बुरा खुद देखने के लिए एक्साइटेड है वो ये फिल्म जरूर देखना। दोस्तों, वीडियो इतना ही। अगर वीडियो को पसंद आया तो प्लीज लाइक कर देना। एक बात और, आप किसको पसंद करेंगे, गांधी और गोडसे? कमेंट सेशन पर कमेंट करके जरूर बता देना, किसके कितना फैंस है और किसको ज्यादा पसंद करेंगे। तो दोस्तों, द मूवीज क्रिएशन देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं अगला रिव्यूज और बिगेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।